भारत में कई प्राचीन शहर हैं, जिसमें से एक है तमिलनाडु का महाबलीपुरम। यहां स्थित शोर मंदिर वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है। इस मंदिर का नाम निर्माण 8वीं शताब्दी में हुआ था। इसे पल्लव राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। महाबलीपुरम के शोर मंदिर को दक्षिण भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है। ये मंदिर द्रविड़ वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है। यहाँ तीन मंदिर हैं। बीच में भगवान विष्णु का मंदिर है, जिसके दोनों तरफ से शिव मंदिर हैं। इस मंदिर को 1984 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया था। 2001 में जब सुनामी आई थी और तटीय क्षेत्र में सब कुछ तबाह कर गई थी, तब भी इस मंदिर को कुछ नहीं हुआ। इस मंदिर की अलग ही कहानी है। मुख्य मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक 5 मंजिला ढांचा है और ये मंदिर ग्रेनाइट से बना है। पंच पांडवों का रथ नाम से एक मंदिर है। ये एक सुंदर स्मारक परिसर है, जिसका निर्माण 7वीं सदी में महेंद्र वर्मन प्रथम और बेटे नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। पंचरथ के 5 स्मारकों को पूरी तरीके से रथ के समान बनाया गया है, जो सभी ग्रेनाइट पत्थरों को खोद खोद कर बनाए गए हैं। इसमें महाभारत की कहानी को दर्शाते हुए कलाकृतियां देखने को मिलती हैं। ये सभी रथ बड़े से छोटे आकार में इस प्रकार से हैं: धर्मराज रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, नकुल एवं सहदेव रथ और द्रौपदी रथ। पल्लव राजाओं द्वारा स्थापित महाबलीपुरम और यहाँ के मंदिर प्राचीन स्थापत्य कला और वास्तुशिल्प के बेजोड़ नमूने हैं। करीब 1300 साल बीत जाने के बावजूद ग्रेनाइट पत्थरों से बने इन मंदिरों को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा है। यही नहीं, पल्लव राजाओं ने भगवान श्री कृष्ण की मक्खन के गोले के प्रतीक के रूप में बटरबॉल को निर्मित किया था। एक पत्थर की चट्टान पर विशालकाय गोल पत्थर टिका हुआ है। ये गोल पत्थर 1300 सालों से अपनी जगह से हिला तक नहीं। इस मंदिर में जानवरों के साथ साथ भगवानों की कहानियों को भी दीवारों पर उकेरा गया है, जो इसे और भी खूबसूरत बनाते हैं।